Hello everyone, welcome to Get Education. For more videos and latest updates, please subscribe Get Education channel. In this lecture, we will discuss second method of AM demodulation, that is envelope detector. Start karte hain. Envelope detector. This method works only for mu is less than or equals to 1. सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं. देखो क्या है इसका सर्किट डायग्राम. तो यहाँ पे आपका एक सोर्स रेजिस्टेंस है RS, एक डायोड लगाया है जो कि आइडियली वर्क कर रहा है, डायोड इज आइडियल, एक कैपेसिटेंस है और एक लोड रेजिस्टेंस RL है. यहाँ से हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे V इन T. यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा VCT. दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर एनवेलप डिटेक्टर. Let us apply the input V in T equals to AC sine 2 pi FCT. तो क्या input apply कर रहे हैं हम इस पर, AC sine 2 pi FCT. तो AC sine 2 pi FCT का हम time domain plot बना दे रहे हैं. ये क्या है आपका V in T है. V in T कैसा plot होगा इसका, इस टाइप से प्लॉट आएगा AC sin 2 pi FCT का. पीक वैल्यू कितनी होगी, AC होगी, ये कितना होगा माइनस के AC होगा. ठीक है, अब इसका ऑपरेशन समझते हैं हम. केस वन, जब हमने इनपुट अप्लाई किया है V in T, कहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे हमने इनपुट अप्लाई किया है V in T. अब जब देखो इनपुट कहाँ होगा, t इक्वल्स टू जीरो प्लस, केस वन लिखो, एट t इक्वल्स टू जीरो प्लस. देखो यहाँ पे क्या है, जब तक आपने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया है तब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा. तो इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज, तो कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियली जो वोल्टेज है वो कितना है, जीरो वोल्ट है. अब जैसे ही आपने इनपुट अप्लाई किया है, जीरो प्लस पे इनपुट क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पे क्या वोल्टेज जा रहा है, कुछ पॉजिटिव में वोल्टेज जा रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, जीरो है. तो पी साइड आपका क्या हो रहा है, हाइयर वोल्टेज पे है, एन साइड आपकी लोअर वोल्टेज है, ये कितना है, जीरो है. यहाँ पे क्या है, पी साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज है. तो डायोड कैसा हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. एट टी इक्वल्स टू जीरो प्लस, डायोड वर्क्स इन द फॉरवर्ड बायस रीजन, दैट इज इट्स बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट. तो क्या हो जाएगा, देखो सर्किट डायोड क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो गया है डायोड. ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस है, एट टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पे डायोड हो गया आपका शॉर्ट सर्किट. अब कैपेसिटर देखो चार्ज होने लगेगा, सो दी सोर्स रेजिस्टेंस आर एस. ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जेस थ्रू दी सोर्स रेजिस्टेंस आर एस. सही है, अब देखो ये चार्ज कैसे होगा. अब यहाँ पे हमको क्या रखना है, चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट आर एस इंटू सी कैसा होना चाहिए, शुड बी स्मॉल. अब देखो स्मॉल होने से क्या होगा, अब ये जितना टाइम कॉन्स्टेंट आर एस इंटू सी जितना स्मॉल होगा
टाइम कांस्टेंट आर एस सी जितना स्मॉल होगा कैपेसिटर उतना ही फास्ट चार्ज होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। जैसे कि आपने इनपुट दिया है मान लीजिए इतना, तो तुरंत जो कैपेसिटर है तुरंत इस वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। अब आपने इनपुट और बढ़ाया है तो कैपेसिटर तुरंत इस वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ाया है तो कैपेसिटर तुरंत इस वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज किसको फॉलो कर रहा है? इनपुट को फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम टी को से 0+ पे आप बढ़ोगे, यहाँ से यहाँ तक बढ़ते जाओगे, कहाँ तक? अप टू दिस इंस्टेंट। कहाँ तक? अप टू दिस इंस्टेंट। तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो डायोड क्या रहेगा आपका? फॉरवर्ड बायस रहेगा। फॉरवर्ड बायस रहेगा तो कैपेसिटर क्या करेगा? इनपुट को चार्ज करेगा। कैपेसिटर क्या करेगा? इनपुट से चार्ज होगा, ठीक है ना? और ये इनपुट को साथ साथ फॉलो करता रहेगा, क्योंकि क्या है, जो आपका टाइम कॉन्स्टेंट है, टाइम कॉन्स्टेंट इज वेरी स्मॉल, तो कैपेसिटर आपका फास्ट चार्ज होगा। तो लिख लो, कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग थ्रू सोर्स रेजिस्टेंस आर एस एंड द चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट आर एस सी शुड बी स्मॉल। आर एस इंटू सी शुड बी स्मॉल। So that the capacitor charges to the input very fast. ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट आर एस सी स्मॉल होने से क्या होगा आपका? कैपेसिटर इनपुट को साथ साथ फॉलो करता रहेगा। तो कैपेसिटर वोल्टेज क्या रहेगा? इनपुट के वोल्टेज के बराबर रहेगा। कब तक? अप टू दिस इंस्टेंट, जब तक इनपुट वोल्टेज क्या नहीं पहुंच जाए, पीक वैल्यू तक नहीं पहुंच जा रहा है। तो ये वाला इंस्टेंट क्या हो गया था अपना? 0+। अब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, इनपुट पे जो वोल्टेज था आपका, ये वाला इनपुट बढ़ता जा रहा है, इनपुट बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे? पीक एम्पलीट्यूड पे। पीक एम्पलीट्यूड कितना था अपना? AC। जब आप पीक एम्पलीट्यूड पे पहुंचे हो तो देखो क्या होगा, बढ़ता गया बढ़ता गया, कैपेसिटर का वोल्टेज फॉलो करता गया, ठीक है। कैपेसिटर का वोल्टेज फॉलो करता गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इनपुट वोल्टेज AC हो जाएगा। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा किस टाइम पे? मान लीजिए यहाँ पे कुछ टाइम है अपना T1, तो T1 पे जाके कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो गया है? AC हो गया है, ठीक। अब देखो क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ, फॉलो करना स्टार्ट किया कैपेसिटर ने इनपुट को। 0+ से लेके T1 तक कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा इनपुट वोल्टेज से स्मॉल ही रहा होगा, क्योंकि क्या है, टाइम कांस्टेंट RSC है, 0 नहीं है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, भले कितना भी कम टाइम लगे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगी, लेकिन वो बहुत मिनिमम है, ठीक है। तो क्या होगा, इनपुट पे वोल्टेज हमेशा कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा रहेगा, यानी कि पी साइड आपका हाइयर वोल्टेज पे है, एन साइड लोअर वोल्टेज पे है, ठीक है। इसका मतलब डायोड हमेशा 0+ से लेके T1 तक फॉरवर्ड वाइज ही वर्क कर रहा है इस रीजन में, ठीक। तो फॉरवर्ड वर्क किया, शॉर्ट सर्किट रहा, वोल्टेज फॉलो करता गया कैपेसिटर का, और फाइनली यहाँ पे आके AC हो गया है विद इन नो टाइम, टाइम बहुत स्मॉल है। अब इस टाइम के बाद देखो, इधर जाओ इधर जाओ, सही है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही इधर बढ़ोगे आप T1+ पे जाओगे, किस पे जाओगे? T1+ पे जाओगे, कैपेसिटर वोल्टेज कितना है? AC। इनपुट पे वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हो आप? देखो AC से कम अप्लाई कर रहे हो, AC से कम अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, कम वोल्टेज है कि नहीं है? देखो पीक एम्पलीट्यूड कितना है? AC। इधर जा रहे हो तो AC से कम हो गया है, यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज तो कितना है? AC। इधर जो इनपुट दे रहे हो वो AC से कम है, तो पी साइड पे लोअर वोल्टेज है, एन साइड पे हाइयर वोल्टेज है,
तो डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला डायोड ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ से तो कनेक्शन कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कैपेसिटर चार्ज था एसी तक, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा है, तो जो लोड रेजिस्टेंस है वो उस कैपेसिटर के थ्रू, क्या नाम, कैपेसिटर का वोल्टेज है वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। तो एट टी इक्वल्स टू टी वन, टी इक्वल्स टू टी वन पे देखो क्या हो जाएगा, एट टी इक्वल्स टू टी वन कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा, पीक एम्पलीट्यूड वाला वोल्टेज मिल जाएगा। अब लिखो केस टू, केस टू, केस टू फॉर टी इक्वल्स टू टी वन प्लस। अब टी वन प्लस वाले रीजन से आगे बढ़ रहे हैं, अब वो उल्ट वही हो रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज ज़्यादा, इनपुट का वोल्टेज स्मॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डायोड, डायोड हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, यानी कि किससे रिप्लेस हो जाएगा, डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा तो सर्किट देखो क्या बन जाएगा, डायोड क्या हो गया है, ओपन सर्किट हो गया है, कैपेसिटर लगा था, लोड रेजिस्टेंस था अपना आज, ये वो था सी, ये था आर, वोल्टेज था अपना अपना बी सी टी, ठीक। तो ये हो गया है कैपेसिटर का वोल्टेज टी वन प्लस पे कितना था, वी सी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आर एल के थ्रू ये आपका डिस्चार्ज होने लगेगा। कितनी स्पीड से डिस्चार्ज होगा वो टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, टाइम कांस्टेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, तो आर एल इंटू सी, ठीक। लिखो अब इसमें कैपेसिटर, कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू आर एल, थ्रू आर एल, लिखो इन दिस केस द डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट कितना होगा, आर एल इंटू सी शुड बी हाई सो दैट कैपेसिटर डिस्चार्जेस स्लोली, कैपेसिटर डिस्चार्जेस स्लोली एंड इट ऑलमोस्ट फॉलो द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल, किसका प्लॉट बनाना है हमको, वीसीटी का बनाना है, ठीक है। डीएनटी आपका क्या था, ये वाला था एसी साइन टू पाई एफ सी टी, किस टाइम पे थे, टी वन पे। टी वन तक तो कैपेसिटर ने क्या किया है, इनपुट वोल्टेज को फॉलो किया है। टी वन टाइम तक कैपेसिटर ने क्या किया है, इनपुट वोल्टेज को फॉलो किया है, ठीक है। एक बार जब वो पीक एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया था एसी पर, अब जैसे ही वो टी वन से आगे बढ़ा, कैपेसिटर हो गया ओपन सर्किट, अब कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कैसे होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा, ठीक है। अब डिस्चार्ज होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डिक्रीज भी करेगी, जैसे जैसे टाइम कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करेगा, ये टाइम कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा तो धीमे धीमे डिक्रीज करेगा, टाइम कॉन्स्टेंट स्मॉल होगा तो ये फास्टर डिक्रीज करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट लार्जर लिया, हाई वैल्यू लिया है, तो हाई वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, बहुत धीमे धीमे डिस्चार्ज होगा, कितना था एसी,
तो एसी से बहुत धीमे धीमे डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत धीमे धीमे डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत धीमे धीमे। मान लीजिए यहाँ तक आया, ठीक है। देखो इधर तो इस पूरे रीजन में इनपुट वोल्टेज तो आपका ये वाला है, तो हर जगह देखो इनपुट वोल्टेज जो है कैपेसिटर के वोल्टेज से स्मॉल ही रहा है। इस पूरे रीजन में कैपेसिटर का वोल्टेज देखो इतना है, ये वाली लाइन है, इनपुट वोल्टेज आपका ये वाला है। तो हमेशा देखो इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज से छोटा है, तो अभी पूरे रीजन में क्या बना रहेगा, डायोड आपका कैसा रहेगा, रिवर्स बायस ही रहेगा, ठीक है। कहाँ तक, इस टाइम तक, मान लिया ये T2 टाइम है, ठीक है, लिख लो यहाँ पे अप टू टाइम, अप टू टाइम T2, अप टू टाइम T2 डायोड रिवर्स बायस रहेगा। रिवर्स बायस रहेगा मतलब ओपन सर्किट रहेगा, ठीक है। तो क्या इस रीजन में T1 से लेके T2 के रीजन में डायोड चार्ज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, डिस्चार्ज होगा RL के थ्रू। अब RL इंटू सी आपने हाई लिया, तो बहुत धीमे धीमे डिस्चार्ज हो रहा है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे T2 पे कैपेसिटर का वोल्टेज कुछ ना कुछ है, एसी के अराउंड ही है, बस एसी से बहुत थोड़ा सा कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, एसी के अराउंड ही है, बस थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप T2 से आगे जाओगे, ये वाला इनपुट वोल्टेज तो ये वाला था, अब देखो इनपुट वोल्टेज फिर से हाई हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज हाई हो जाएगा, कैपेसिटर वोल्टेज छोटा रह जाएगा। तो देखो जो एन साइड थी वो लोअर वोल्टेज पे पहुंच जाएगी, पी साइड थी वो हाइयर वोल्टेज पे पहुंच जाएगी। क्या है, देखो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, इतना है, इनपुट का वोल्टेज देखो ज़्यादा है, तो डायोड यहाँ पे लगा था आपका, तो इनपुट का वोल्टेज ज़्यादा है, कैपेसिटर का वोल्टेज कम हो गया है, तो डायोड क्या हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो फिर शॉर्ट सर्किट की तरह लगेगा, फिर से कैपेसिटर आपका चार्ज करने लगा, किसको, इनपुट को। टाइम कांस्टेंट इन चार्जिंग वाला वही है आर एस इंटू सी, वो स्मॉल था तो फिर से इनपुट को फॉलो करेगा कैपेसिटर का वोल्टेज, ठीक। लिखो केस 3, केस 3 में कहाँ पे हम जा रहे हैं, फॉर T=T2+ पे, फॉर T=T2+। अब T2+ पे देखो क्या हो गया है, डायोड के इनपुट का वोल्टेज हायर हो गया है और एन साइड का वोल्टेज लोअर हो गया है, तो डायोड कैसा हो गया, फिर से फॉरवर्ड बायस हो गया है, डायोड हो गया है क्या, फॉरवर्ड बायस हो गया है, फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी कि डायोड शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर इनपुट से फिर चार्ज होने लगेगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कितना है अपना, RS × C, जो कि कैसे हमने लिया था, स्मॉल लिया था, यानी कि कैपेसिटर फिर से इनपुट वोल्टेज को ही फॉलो करने लगेगा। तो लिख लो कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग अगेन टू इनपुट, टू इनपुट, देखो क्या होगा, क्या होने लगा, कैपेसिटर फिर से इनपुट को चार्ज करने लगा। अब टाइम कांस्टेंट स्मॉल है तो इनमोस्ट इनपुट को फॉलो करता जाएगा, इनपुट को फॉलो करता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने मान लिया फिर से हम पीक पे पहुंच गए, मान लिया ये टाइम T3 है। अब देखो जब दोबारा से आप पीक पे पहुंच गए, अब जैसे ही T3+ पे जाओगे, किस पे जाओगे, T3+ पे जाओगे, फिर से देखो कैपेसिटर का इनपुट का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से कम हो जाएगा। इधर जाओगे तो कैपेसिटर का वोल्टेज तो कितना है, AC, इनपुट का वोल्टेज क्या है, AC से कम है, तो फिर से क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, कैपेसिटर आपका फिर से डिस्चार्ज होने लगेगा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, RL के थ्रू, और RLC भी ऐसे ही लार्ज बोला है मैंने, RLC लार्ज होगा तो ये फिर से वेरी स्लोली डिक्रीज करेगा, यानी कि कैसे जाएगा ये कैपेसिटर का वोल्टेज, जैसे ही T3+ से आगे जाओगे कैपेसिटर का वोल्टेज डिक्रीज करेगा, लेकिन इट डिक्रीजेस वेरी स्लोली, इस टाइप से आ रहा है, ठीक है ना। कहाँ तक, जैसे यहाँ पे रहता है ऐसे ये पल्स, अगर ना तो जहाँ तक इनपुट कम रहेगा इस वैल्यू से वहाँ तक ये स्लोली डिस्चार्ज हुआ। इसके बाद जैसे ही फिर से इनपुट बढ़ा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फिर डायोड इनपुट को कैपेसिटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा, और ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज देखो कैसा मिल रहा है, ये गया AC तक पहुंचा, फिर AC के अराउंड ही रहा, AC से बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट बहुत छोटा है, फिर थोड़ा सा फिर चार्ज हुआ इनपुट को, फिर डिक्रीज हुआ, बट बहुत थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, AC के अराउंड ही रहा है,
ये प्रोसेस चल रहा है। तो देखो यहाँ पे हमको एसी का जो वोल्टेज मिल रहा है ऑलमोस्ट एसी के अराउंड मिल रहा है, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो कितना है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लिया उसके बाद देखो हमेशा क्या था एसी ही रहा है, एसी से थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है बस, ये रिपल्स आ रही है थोड़ी सी, ठीक है ना, ये क्या रही है छोटी सी रिपल्स आ रही है ये वाली, बाकी है क्या एसी के अराउंड ही है। तो हमको यही चाहिए, जो पीक एम्पलीट्यूड था हमको वो एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी इनपुट पे आप सिग्नल दे रहे हो इनवेलप डिटेक्टर से पास होने के बाद हमको क्या मिलेगा, उस सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पे पीक एम्पलीट्यूड क्या है एसी, तो देखो आपका पीक एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज पीक एम्पलीट्यूड ही आ रहा है जो आप इनपुट दे रहे हो, सही है, एसी साइन 2π fc था उसका पीक एम्पलीट्यूड एसी था, तो कैपेसिटर का जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे वो भी एसी के अराउंड ही है, बस इसको क्या करना है फ्लैट करना है, वो आप एक स्मूथिंग फिल्टर लगाते हैं उससे इसको फ्लैट कर देते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको कितनी मिल जाती है एसी ही मिल जाती है, लिख लो यहाँ पे एट t=T3, T3 पे क्या हो गया आपका कैपेसिटर वोल्टेज फिर से एसी हो गया, केस 4 लिख लो तो क्या करे, तो T3+ फॉर t=T3+ कैपेसिटर अगेन स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर से अपना प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे इनपुट वोल्टेज कि वेवफॉर्म आगे बढ़ती जाएगी टाइम के साथ वैसे वैसे कैपेसिटर का वोल्टेज भी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, फिर आप कहना एसी पे पहुंच जाएगा, फिर बहुत थोड़ा सा डिक्रीज होगा फिर एसी पे पहुंच जाएगा, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो ये मिल गया हमको सेपरेट कैपेसिटर का वोल्टेज, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, इसको हम पास करा देंगे एक स्मूथिंग फिल्टर से, हमको क्या मिल जाएगा पीक एम्पलीट्यूड एसी मिल जाएगा। तो यही इनवेलप डिटेक्टर का काम होता है, जो भी इनपुट दे रहा है उसके पीक इनपुट को एक्सट्रैक्ट कराना, तो पीक इनपुट एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे हमने जो दो टाइम कांस्टेंट लिए थे, एक तो आरएलसी बोला है मैंने हाई होना चाहिए, हाई करेंस मन में आ गया है तुमको जिससे ये डिक्रीज ना हो एसी पे ही रहे वोल्टेज, इसलिए हाई होना चाहिए। जो इनपुट का वोल्टेज था आरएससी वो हमने स्मॉल क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप आरएससी को लार्जर ले लोगे तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, धीमे धीमे चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा धीमे धीमे चार्ज होगा, यानी कि इनपुट के वोल्टेज को फॉलो नहीं करेगा, और जब इनपुट के वोल्टेज को फॉलो नहीं करेगा तो आपका क्या नहीं मिलेगा हमको पीक एम्पलीट्यूड नहीं मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा देखो क्या बोल रहा हूँ, अब मैं नोट करके लिख लो, इफ आरएससी हाई है, अगर आप आरएससी हाई ले लोगे तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर चार्जेस स्लोली टू द इनपुट, टू द इनपुट,
यानी कि ये था आपका इनपुट, कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, स्लोली चार्ज होगा। तो ये तो अपना हो गया है वी इन टी, तो क्या होता है जैसे मान लीजिए इनपुट वोल्टेज इतना दिया, अभी कैपेसिटर जीरो ही रहेगा, इनपुट वोल्टेज जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तब कैपेसिटर वोल्टेज क्या होगा, चार्ज होगा इनपुट को। तो क्या चल रहा है, डिले से चल रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटर वोल्टेज थोड़ा टाइम बाद उतने तक पहुंच रहा है। मान लीजिए कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा है, और इनपुट का आप कहाँ तक पहुंच गए हो, इनपुट आप यहाँ तक पहुंच गए हो, इनपुट वोल्टेज इतना है, कैपेसिटर वोल्टेज अभी यहाँ तक ही चार्ज हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है ये धीमे धीमे चार्ज हो रहा है, डिले से चार्ज हो रहा है, क्योंकि आर एस सी हाई है, और आगे बढ़े कैपेसिटर थोड़ा सा और चार्ज हुआ, इनपुट वोल्टेज तब तक इस वैल्यू तक पहुंच गया है। अब देखो क्या होगा, इनपुट यहाँ तक पहुंच गया तो इनपुट की वैल्यू इतनी है, कैपेसिटर अभी यहीं तक चार्ज हुआ था, अभी कैपेसिटर पीक पे पहुंचा भी नहीं है। अब देखो जैसे इसके आगे जाओगे तो इनपुट का वोल्टेज, जो कैपेसिटर का वोल्टेज ये है, इनपुट का वोल्टेज मान लो इस पॉइंट पे आ गया है, दोनों क्या हो गए यहाँ बराबर हो गए हैं। जैसे ही इस पॉइंट से आगे जाओगे तो इनपुट वोल्टेज देखो क्या हो जाएगा आपका, इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है। जैसे इनपुट वोल्टेज इससे आगे जाओगे, इस पॉइंट से आगे जाओगे तो इनपुट वोल्टेज स्मॉल हो गया है, कैपेसिटर वोल्टेज ज्यादा है, तो अब क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस में पहुंच जाएगा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज क्या है स्मॉल, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है ज्यादा, डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, ओपन सर्किट। अब इसी पॉइंट से जहां तक यहाँ पहुंचा है, इसी पॉइंट से कैपेसिटर क्या होने लगेगा आपका, डिस्चार्ज होने लगेगा, इसी पॉइंट से डिस्चार्ज हुआ, कहाँ तक डिस्चार्ज हुआ, यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ, फिर से कैपेसिटर फिर से इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा, लेकिन स्लोली फॉलो करेगा, ठीक है, इनपुट तब तक यहाँ पहुंच जाएगा, फिर आके इनपुट यहाँ पहुंचा, जैसे ही इसके आगे इनपुट पहुंचा तो इनपुट फिर से डिक्रीज हो गया है, फिर से कैपेसिटर रिवर्स बायस हो गया है, तो फिर कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होने लगा है। अब यहाँ पे देखो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो पीक एम्पलीट्यूड तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज कभी भी पीक एम्पलीट्यूड तक फुल्ली चार्ज नहीं हो पा रहा है, हमेशा क्या हो रहा है पीक एम्पलीट्यूड से काफी छोटा रह रहा है। तो इसका जब पीक ही नहीं पहुंच रहा है तो स्मूथिंग फिल्टर से पास करोगे तो वो एसी तो नहीं आएगा, एसी से कोई कमी वैल्यू आएगी, यहाँ पे एसी से क्या देगी, कमी वैल्यू देगी कुछ, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज पीक एम्पलीट्यूड तक पहुंचा ही नहीं है। तो यही है हमको चाहिए, क्या था पीक एम्पलीट्यूड चाहिए था, आर एस सी हाई ले लिया है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज इनपुट के पीक एम्पलीट्यूड तक चार्ज ही नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए इससे जो हमको आउटपुट मिलेगा वो क्या नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम क्या नहीं लेते हैं, आर एस सी हाई नहीं लेते हैं, आर एस सी को क्या रखते हैं स्मॉल रखते हैं, जिससे कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज हो इनपुट के साथ। लिख लो इन दिस केस कैपेसिटर वोल्टेज, इन दिस केस कैपेसिटर वोल्टेज वी सी टी बी सी टी विल नॉट रीच द पीक वोल्टेज ऑफ द इनपुट, पीक वोल्टेज ऑफ द इनपुट इनपुट एंड हैंस बी सी टी डज नॉट फॉलो द इनवेलप ऑफ इनपुट, इनवेलप का मतलब पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो करना, तो इनवेलप पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो नहीं करता, यानी कि इनवेलप को फॉलो नहीं करता है। ये अपना क्या है रेड वाला है अपना वी सी टी। यानी कि अगर हम बोलें अब ये आपका एक इनवेलप डिटेक्टर सर्किट था, अगर आप इसको दे रहे हो एम साइन 2π एफ सी टी, तो बताओ आउटपुट पे क्या मिलेगा, क्या मिलना है, पीक
पीक वैल्यू मिलनी है, पीक कितनी है यहाँ पे ए एम है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आउटपुट पे ए एम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे क्या है ए एम कॉस 2π f c t है, ए एम कॉस 2π f c t है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा पीक एम्पलीट्यूड मिलेगा, पीक एम्पलीट्यूड कितना है ए एम है, ए एम ही मिलेगा, सही है। ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूँ ए कॉस 2π f c t प्लस बी साइन 2π f c t है इनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट पे, मान लीजिए इनवेलप डिटेक्टर से इसको पास करा दिया, तो बताओ आउटपुट पे क्या मिलेगा, क्या कहें ना, जब आपका इस टाइप से होता है, नेटवर्क में पढ़ाए थे, जब पावर पढ़ाए थे, देखो क्या है दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, इसकी भी एफसी फ्रिक्वेंसी है, इस टर्म की भी एफसी फ्रिक्वेंसी है, जब फ्रिक्वेंसी सेम होता है तो इसको हम एक सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे एक सिंगल टर्म में लिखेंगे, तो सिंगल टर्म में देखो कैसे लिखते हैं इसको, फेजर फॉर्म से हम कर रहे हैं, नेटवर्क में पढ़ाया हम लोगों ने, क्या है इसका एम्पलीट्यूड ए है कॉस 2π f c t, कॉस को हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो कॉस 2π f c t का फेज एंगल कितना है इन जनरल क्या होता है, देखो ए सी कॉस 2π f c t प्लस फाई, फाई को क्या बोलते हैं फेज बोलते हैं, सही है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे फाई कितना है जीरो है, हम क्या कहते हैं सिर्फ एम्पलीट्यूड लिखते हैं और फेज लिखते हैं, तो एम्पलीट्यूड कितना है ए, फेज कितना है जीरो, तो इसको लिख दिया ए फेज एंगल फाई प्लस के वी, कॉस को रेफरेंस लिया है, कॉस यहाँ पे क्या लिखा है साइन लिखा है, तो फेज में कितना चेंज हुआ है देखो, कॉस ये वाला होता है साइन ये वाला होता है, ए सी कॉस 2π f c t प्लस फाई, बस देखो ए सी कॉस को रेफरेंस दे रहे हैं, तो कॉस वाली टर्म को हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो क्या लिखा मैंने ए सी फेज एंगल कितना है जीरो फाई लिख लिया है प्लस के बी साइन, साइन इस टाइप से बनता है, अब साइन देखो ये 90 डिग्री हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब क्लॉक वाइज में जाते हैं तो फेज हम लिखते हैं माइनस करके, कितना डिग्री जा रहे हैं 90 डिग्री जाओगे तब साइन मिलेगा, क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो हो जाएगा ये माइनस के 90 डिग्री, तो इसको भी लिख लो फेज यहाँ पे कितना है ये जीरो था, ये कितना है आपका जीरो है, ये कितना है 0 डिग्री है, इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं ए ही लिख सकते हैं क्योंकि फेज एंगल तो जीरो है, तो ई की पावर जे जीरो प्लस के बी ई की पावर, इसको कैसे लिख लोगे ई की पावर माइनस के जे 90, तो माइनस के जे 90 कितना होता है माइनस के जे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये माइनस के जे बी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, तो इसको हम लिख लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फेज एंगल कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस बी अपॉन ए, तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए, सही है। अब इसको देखो क्या लिख लेंगे, अब इसको दोबारा से साइनसोइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कह लें दोबारा से कॉस के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, कॉस ऑफ जो फ्रिक्वेंसी थी फ्रिक्वेंसी वही रहेगी क्योंकि वही रेफरेंस लेके चले थे, फेज कितना है इतना है, तो फेज फाई की जगह कितना आ जाएगा माइनस के टेन इनवर्स बी अपॉन ए, इस टाइप से लिखा जाता है। अब देखो जनरल फॉर्मेट में ही आ गया है, साइन कॉस की फॉर्म में ही है, साइन का पीक एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, पीक एम्पलीट्यूड ये लिखा है, इसलिए यहाँ के आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना ये वाला रिजल्ट, ए कॉस 2π f c t प्लस बी साइन 2π f c t, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब अपना ए एम पे पहुंचते हैं हम, इनवेलप
डिटेक्शन फॉर एएम सिग्नल, इनवेलप डिटेक्शन फॉर एएम सिग्नल। अभी तुमने क्या समझा था, बेसिक ऑपरेशन कैसे वर्क कर रहा है। अब आपको पता चल गया है क्या मिलेगा, पीक एम्पलीट्यूड मिलेगा। क्या मैं बना रहा हूँ, मैं आपका एएम सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैंने मॉड्यूलेशन केस किए थे तीन, अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, तो अंडर मॉड्यूलेशन के लिए बना रहा हूँ मैं, ये बन गया है। ये होता है अपना एएम सिग्नल। अब इस एएम सिग्नल को आपको किससे पास कराना है, इनवेलप डिटेक्टर से पास कराना है। अब इनवेलप डिटेक्टर का ऑपरेशन तुमको पता है कैसा रहेगा, स्टार्ट करेगा जब पीक एम्पलीट्यूड को पहुंच जाता है, जब चार्ज होता है तो कहां तक पहुंच जाता है, पीक एम्पलीट्यूड तक पहुंच जाता है। बस क्या होना चाहिए था, आर एस इंटू सी स्मॉल होना चाहिए, तो पीक एम्पलीट्यूड तक मान लीजिए, पीक एम्पलीट्यूड ये एएम का जो भी रहता है अपना ए सी वन प्लस म्यू वो है, तो पीक एम्पलीट्यूड तक कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज हुआ। जैसे फिर इनपुट वोल्टेज ये वाला आगे बढ़ा, इनपुट वोल्टेज क्या करा आपका, डिक्रीज किया है, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज किया है, तो डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज करने लगेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन बहुत स्लोली डिक्रीज होगा। कैसे होगा, बहुत स्लोली डिक्रीज होगा, तो पूरा इनपुट यहाँ से यहाँ तक कम रहा, इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहा, डायोड रिवर्स बायस रहा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, लेकिन बहुत स्लोली हो रहा है, यहाँ पे आया। इसके बाद जैसे ही पहुंचा, इसके बाद इनपुट थोड़ा सा बढ़ गया तो डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस हो गया है, तो कैपेसिटर क्या करने लगा, इनपुट वोल्टेज को फॉलो करने लगेगा। जैसे ही पीक वैल्यू तक पहुंचा, फिर से पीक तक पहुंच गया इनपुट वोल्टेज, इसके बाद देखो फिर से कम होने लगा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा लेकिन बहुत स्लोली डिस्चार्ज होगा, ये आ गया है। फिर से इस पूरे रीजन में इनपुट कम रहा, डायोड अभी तक रिवर्स बायस ही बना रहेगा, यहाँ पे इनपुट फिर से ज़्यादा हुआ, कैपेसिटर फिर से फॉलो करेगा इनपुट वोल्टेज को। जैसे ही पीक पे पहुँचा, पीक के बाद आगे बढ़ेगा तो इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, तो कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होने लगेगा। इस टाइप से इस पूरे रीजन में डायोड ऑफ रहेगा, जैसे ही इससे आगे बढ़ोगे फिर से चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तो इस टाइप से चल रहा है। देखो तो ये देखो ऑलमोस्ट पीक वैल्यू को ही प्लॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत रिपिल आ रही है, रिपिल को हम रिमूव करा देंगे, ठीक है ना, रिपिल्स को किस रिमूव करा देंगे हम। तो आपका देखो जो हमको था इस टाइप से प्लॉट मिल रहा है, कैसा प्लॉट मिल जाएगा इनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट पे, जब हम इसको ईडी से पास करा दे रहे हो आप इनवेलप डिटेक्टर से, तो देखो कैसा प्लॉट मिल रहा है आपको। पीक था, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर चार्ज हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर चार्ज हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, 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 इस टाइप से आपका ये चलता जा रहा है। तो देखो इसकी सेप मैसेज सिग्नल की तरह ही मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यही तो अपना मैसेज सिग्नल होता था इस टाइप से, ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी, ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी है, एफ एम फ्रिक्वेंसी वाला है ये वाला सिग्नल क्या होता था अपना मैसेज सिग्नल ही तो होता था, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही तो एम्पलीट्यूड वेरी करता था करियर सिग्नल का, ये करियर सिग्नल था अंदर,
इनवेलप था वो मैसेज सिग्नल की वजह से था। तो देखो इनवेलप हमको मिलता जा रहा है, क्या मिलता जा रहा है, मैसेज सिग्नल मिलता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं क्या जनरल एक्सप्रेशन था, AC1+KAMT, AC1+KAMT cos 2π fct, क्या है ये अपना SAMT, किससे पास किया आपने, इनवेलप डिटेक्टर से पास किया। क्या मिलेगा पीक एम्पलीट्यूड किसका, जो भी साइनसोइडल सिग्नल है, ये साइनसोइडल सिग्नल है पूरा का पूरा, ये पीक एम्पलीट्यूड हो गया आगे इसके लिए। अब यहाँ पे जो पीक एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसीलिए आपको कैसा फंक्शन मिलेगा, टाइम वेरिंग फंक्शन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, पीक एम्पलीट्यूड हो गया है। तो क्या मिल जाएगा आपको आउटपुट पे, AC1+KAMT, ठीक, AC1+KAMT विच इज इक्वल्स टू AC+ACKAMT, ये मिल जाएगा आपको आउटपुट पे। चाहिए क्या आपको मैसेज सिग्नल, अब यहाँ से तो मैं एक्सेस सिग्नल ले ही लोगे, क्या कर दो, डीसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कराना है, किससे पास करा देंगे, कैपेसिटर से पास करा दो, क्या मिल जाएगा AC KMT। बस अगर एग्जैक्ट एमटी चाहिए तो गेन प्रोवाइड कर दो एम्पलीफायर के थ्रू, क्या मिल जाएगा यहाँ से हमको, एमटी मिल जाएगा। तो देखो मैसेज सिग्नल रिकवर हो गया कि नहीं हो गया, मैसेज सिग्नल हमको मिल गया है कि नहीं मिल गया है। अच्छा मुझे ये बताओ ये करियर सिग्नल है कैसा, आफ्टर मॉड्यूलेशन, मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, यहाँ पे पूरी हमने क्या कवर कर ली है, एक साइकिल ले ली है मैंने, करियर आफ्टर मॉड्यूलेशन इसकी एक साइकिल ले ली है यहाँ से लेके यहाँ तक। बताओ ये टाइम पीरियड ये कितना होगा, 1/FC होगा या नहीं होगा, क्योंकि करियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, FC, चाहे बिफोर मॉड्यूलेशन चाहे आफ्टर मॉड्यूलेशन, कितनी फ्रिक्वेंसी है, देखो FC ही है, हमने एक साइकिल ली है, एक साइकिल का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितनी थी, FC। तो ये आपका टाइम पीरियड लिख लिया है हमने करियर से, करियर आफ्टर मॉड्यूलेशन की 1 साइकिल, यानी कि AM सिग्नल की 1 साइकिल का टाइम पीरियड, मतलब सिग्नल का टाइम पीरियड इतना आ गया है, तो ये 1 साइकिल है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जो आपका टाइम कांस्टेंट था, कौन सा टाइम कांस्टेंट, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, क्या था डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, RLC था कि नहीं था, ये था RLC। अब मैं बोल लूँ कि अगर RLC, क्या अगर RLC इज लेस देन 1/FC, अगर जो टाइम कांस्टेंट हो वो क्या हो, 1/FC से भी छोटा हो, 1/FC टाइम है कितना, इतना है, ठीक है, तो यानी कि 1/FC यहाँ पे है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, 1/FC टाइम कांस्टेंट, जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो क्या, 1/FC से भी छोटा है, तो मान लीजिए 1/FC से छोटा है, इधर कहीं टाइम कांस्टेंट हो गया अपना, ये क्या गया है RLC। अब देखो ये डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, यानी कि इतने टाइम में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया होगा, हो गया होगा कि नहीं होगा, हो गया, क्योंकि टाइम कांस्टेंट ही बेचना है, टाइम कांस्टेंट हमको लेना चाहिए था हाई, हमने ले लिया, अगर मान लीजिए 1/FC से छोटा ले लिया है तो कितना हो जाएगा, इतना छोटा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो कितना फास्ट डिक्रीज करेगा, तुरंत फास्ट आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे बना देता हूँ मैं, इस केस के लिए देखो कैपेसिटर वोल्टेज क्या होगा आपका, बहुत फास्ट डिक्रीज होगा, 1/FC से पहले ही डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो इतनी फास्ट डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आके फॉलो करेगा इनपुट, इस पॉइंट पे आके 0 हो गया, फिर जाके इनपुट 0 होगा, फिर से इनपुट फॉलो करेगा, तो अब देखो क्या ये पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रहा है, देखो तुरंत वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिपल आ रहा है इसमें, क्या रहा है, बहुत ज़्यादा रिपल आ रहा है, तो क्या नहीं करेगा ये, इस वाले पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो नहीं करेगा। आपको चाहिए क्या था, पीक एम्पलीट्यूड, देखो रेड वाली लाइन आपकी पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रही है, ग्रीन वाली लाइन पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो नहीं करेगी, ये कैपेसिटर वोल्टेज है, डिस्चार्ज हो गया वेरी फास्ट, अगेन फिर जाएगा, फिर चार्ज होगा, इसके बाद जाएगा यहाँ पे चार्ज होगा यहाँ तक, उसके बाद अगेन वेरी फास्ट डिक्रीज कर जाएगा, तो क्या ये पीक एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन हम नहीं ले सकते हैं,
यानी कि टाइम कांस्टेंट आर एल सी 1/fc से ज़्यादा ही होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। ठीक, दूसरा केस हम लेते हैं, सारे केस बाद में लिख लेंगे, पहले समझ लो। एक कंडीशन में लेता हूँ ये वाली, ये वाला क्या था, ये वाला पोर्शन देखो, मैसेज सिग्नल का पीरियड है, मैसेज सिग्नल का 1 टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है अपना मैसेज सिग्नल, कॉस स्टेप से आया था मैसेज सिग्नल कॉस 2π f m t, तो पूरा ये क्या हो गई, 1 साइकिल हो गई, ये पीरियड हो गया है। अब मैं देखो क्या ले रहा हूँ, इतना वाला टाइम पीरियड ले रहा हूँ, आर एल सी को इससे कंपेयर करूंगा, क्या है देखो, 1/fm, मैसेज सिग्नल का हमने एक पीरियड ले लिया है, तो ये हो गया 1/fm। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो आर एल सी है, आर एल सी है विच इज ग्रेटर देन या मच ग्रेटर देन, यानी कि 1/fm से बड़ा हो या उससे बहुत बड़ा हो, दोनों केस में आंसर नहीं मिलेगा मुझे, हमको चाहिए डिजायर्ड क्या है। अब टाइम कांस्टेंट किससे हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है तो पूरा, ये क्या टी हो गया है, आर एल सी टाइम कांस्टेंट है, इससे भी बड़ा है, यानी कि आर एल सी क्या रहेगा आपका, आर एल सी आपका यानी कि इससे बड़ा ले रहे हैं 1/fm से, तो कुछ इस टाइप से लेंगे हम, इससे बड़ा मान लीजिए ये ले लिया है, सही है। अब देखो जो कैपेसिटर का वोल्टेज पीक वोल्टेज था, पीक वोल्टेज ये था, अब टाइम कांस्टेंट आर एल सी हमने बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया है, बड़ा तो लेना था लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा ले लोगे तो क्या होगा, बहुत स्लोली डिक्रीज होगा, अब इसको हम बहुत स्लोली डिक्रीज करा दे रहे हैं, बहुत स्लोली डिक्रीज करा रहे हैं, और भी ज़्यादा स्लोली डिक्रीज करा रहे हैं, तो ये मिला आउटपुट। फिर जब इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हुआ तब इसने फॉलो किया, फिर ये बहुत स्लोली डिक्रीज करेगा, बहुत स्लोली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या ये AM सिग्नल के एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ग्रीन वाली लाइन बताओ फॉलो करेगी या नहीं करेगी, AM सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, AM सिग्नल का देखो एम्पलीट्यूड कहाँ है, ये वाला है पीक वैल्यू, AM सिग्नल की ये वाली है, इसको फॉलो करना चाहिए था, बट इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत स्लोली डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे ये यहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा है, ये बहुत लास्ट में इनपुट ज़्यादा हो रहा है, तब तक तो ये पूरा पार्ट कट गया है, ये क्या था जो आपका AM सिग्नल था उसकी ये वाली पार्ट क्या हुआ, जो ये वेव आनी चाहिए थी हमको तो यही चाहिए था, तो ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने आर एल सी बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया, कैपेसिटर का वोल्टेज बहुत स्लोली दिखा, बहुत स्लोली आप डिस्चार्ज कर रहे हो उसको, तो स्लोली हो रहा है, तब यहाँ पे जाके आप पहुँचे इनपुट पे, जब इनपुट बड़ा हुआ है थोड़ा सा फॉलो किया, फिर से वही कंडीशन आ गई है, फिर से बहुत स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपका ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया है, कट हो गया है, क्या हो गया है, ये पूरा पोर्शन कट हो जाएगा, आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, ये ग्रीन वाली लाइन मिलेगी, तो यानी कि क्या नहीं कर रहा है, ये रेड वाली जो लाइन थी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका क्या हो जा रहा है, जो आपका इनवेलप था वो इनवेलप को कट कर दे रहा है, हमको डिजायर्ड इनवेलप नहीं मिल रहा है, और अगर डिजायर्ड इनवेलप नहीं मिलेगा तो आपको मैसेज सिग्नल रिकवर नहीं हो पाएगा, जैसे जो रेड वाली लाइन से हमको देखो ये वाला प्लॉट मिला था, तो ये देखो मैसेज सिग्नल की शेप में ही है, बस डीसी कंपोनेंट ब्लॉक करना था, डीसी कंपोनेंट ब्लॉक किया तो आपको मैसेज सिग्नल मिल गया था, अब इस केस में हमको मैसेज सिग्नल मिल ही नहीं रहा है, मैसेज सिग्नल मिल ही नहीं रहा है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया है, कट हो गया है, क्योंकि मैसेज सिग्नल अपना यही वाला था, सुपर इम्पोज करते थे एम में कि नहीं करते थे, तो सुपर इम्पोज वाला पार्ट मिल ही नहीं रहा है हमको, हमको तो एक नया ही सिग्नल मिल गया है, तो इसलिए आर एल सी आपका ग्रेटर देन 1/fm नहीं होना चाहिए, तो ये दो कंडीशन पे हमको इनवेलप डिटेक्टर पे जो मिलेगा वो हमारा मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, तो यानी कि इसके अलावा और कोई रेंज होनी चाहिए टाइम कांस्टेंट की आर एल सी की, तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, 1/lc से छोटा लिया तब भी काम नहीं कर रहा है, आर एल सी 1/fm से बड़ा लिया तब भी काम नहीं कर रहा है, तो आर एल सी की रेंज इन दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच में होनी चाहिए। तीसरा केस अगर लें हम, थर्ड केस, अब अगर हम लें आर एल सी मच ग्रेटर देन 1/fc और मच लेस देन 1/fm, ये ले रहा हूँ, सही है। अब देखो क्या फायदा होगा इससे, जब आपका 1/fc से मच ग्रेटर रहने है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपने आर एल सी को हाई कर दिया है, तो कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होगा, स्लो डिस्चार्ज होगा, और 1/fm से काफ़ी छोटा रखा है, इसका मतलब क्या है,
इतना ज्यादा स्लो भी डिस्चार्ज नहीं होगा, जो इतना ज्यादा स्लो हो रहा था, इतना ज्यादा स्लो भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है कि इन वेल्व को फॉलो ना करें, यानी कि इन दोनों के बीच में है। तो अब देखो इस वाले केस के लिए कौन सी वाली लाइन बनेगी आपकी, ये तीसरी रेड वाली लाइन ही मिलेगी हमको कि नहीं मिलेगी? कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लोली भी नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है। तो क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ, वेव को ट्रेस कर रहा है, यहाँ तक पहुंचा, फिर से बढ़ गया आउटपुट, इनपुट को ट्रेस किया, फिर से डिस्चार्ज होने लगा, कैपेसिटर रिवर्स बायज है, यहाँ पे पहुंचा, फिर फॉरवर्ड बायज हुआ, इनपुट को फॉलो किया, फिर डिस्चार्ज हुआ। तो अब प्रॉपर इनवेलप डिटेक्शन हो रहा है किस वाली कंडीशन के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए, यानी कि जो डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट है वो हाई तो है, लेकिन इतना भी हाई नहीं है कि बहुत ज्यादा स्लो डिस्चार्जिंग हो जाए, जिससे आपकी क्या हो जाए, ये वाला पोर्शन कट हो जाए। तो हमको कट नहीं होने देना है, और बहुत ज्यादा स्मॉल भी नहीं रखना, नहीं तो फिर रिपेल आ जाएगा बहुत ज्यादा, तो भी फॉलो नहीं करेगा। और जो ये पोर्शन कट हो रहा है, जो ये वाला पोर्शन कट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायगनल क्लिपिंग, डायगनल क्लिपिंग। किस किस में मिल रही है डायगनल क्लिपिंग, जब आपका आर एल इंटू सी मच ग्रेटर देन 1/FM है, तो उस केस में हमको डायगनल क्लिपिंग मिलेगी, पोर्शन कट हो जा रहा है। चॉइस फॉर आर एल सी, पहला केस मैंने क्या लिया था, जब आर एल इंटू सी इज लेस देन 1/FC, इस केस में क्या था आपका, लिख लो यहाँ पे, इनवेलप डिटेक्टर आउटपुट डज नॉट फॉलो दी इनवेलप ऑफ डज नॉट फॉलो द इनवेलप ऑफ ए एम सिग्नल सिंस कैपेसिटर डिस्चार्जेस वेरी फास्ट, सिंस कैपेसिटर डिस्चार्जेस वेरी फास्ट। Thus we cannot take this condition. Second condition. If RLC much greater than 1/FM यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्जेस वेरी स्लोली, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, तो बहुत ज्यादा स्लो डिक्रीज कर रहा था, कैपेसिटर डिस्चार्जेस वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, एंड हैंस कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट फॉलो द एनवेलप ऑफ डज नॉट फॉलो द एनवेलप ऑफ एएम सिग्नल। In this case, diagonal clipping occurs. In this case, diagonal clipping occurs
ठीक है, पूरा का पूरा एक पोर्शन कट हो गया था, जो भी ए एम का एनवेलप मिलता था हमको उसका पूरा एक पार्ट कट हो गया है। थर्ड केस लिखो, थर्ड अपना सुटेबल वाला केस जिसमें हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्या था, जब आर एल सी आपका क्या करे, वन बाई एफ सी से मच ग्रेटर देन हो और वन बाई एफ एम से मच लेस देन लिया हो आपने, इस रीजन में क्या करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। देखो दिस इज दी आइडियल कंडीशन फॉर इनवेलप डिटेक्शन, इन दिस केस कैपेसिटर वोल्टेज, इन दिस केस कैपेसिटर वोल्टेज फॉलो द इनवेलप ऑफ ए एम सिग्नल, इनवेलप ऑफ ए एम सिग्नल। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो एक कैरियर सिग्नल ऑफ, एक कैरियर सिग्नल ऑफ 1 MHz इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, बाई ए मैसेज सिग्नल ऑफ 2 KHz, दी प्रॉपर चॉइस ऑफ आर एल सी फॉर इनवेलप डिटेक्शन ऑफ ए एम सिग्नल, द प्रॉपर चॉइस ऑफ आर एल सी फॉर इनवेलप डिटेक्शन ऑफ ए एम सिग्नल विल बी, ऑप्शन आपके हैं 1 माइक्रोसेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है आपका 0.5 माइक्रोसेकेंड, सी ऑप्शन है आपका 200 माइक्रोसेकेंड, डी ऑप्शन आपका है 500 माइक्रोसेकेंड। कर दो इसको सॉल्व। क्या कंडीशन थी, देखो अभी हमने पीछे लिखी है आइडियल कंडीशन क्या है, जब आपका इनवेलप डिटेक्शन हो पाए ए एम सिग्नल का, 1 बाई एफ सी से मच ग्रेटर देन होना चाहिए, 1 बाई FM से मच लेस देन होना चाहिए, क्या टाइम कांस्टेंट आरएलसी, यही पूछा है, प्रॉपर चॉइस फॉर आरएलसी कितनी हो, टाइम कांस्टेंट है तो इसे देखो यूनिट सेकंड में दी हुई है, क्या कहना है आपको, 1 बाई FC निकाल लो, क्या दिखा देगा क्वेश्चन में, FC कैरियर सिग्नल ऑफ 1 MHz, तो ये क्या हो गई आपकी कैरियर फ्रिक्वेंसी हो गई, क्या हो गया ये आपका कैरियर फ्रिक्वेंसी हो गया FC, मैसेज सिग्नल ऑफ 2 KHz ये क्या हो गया है FM हो गया है, तो क्या दिया है क्वेश्चन में, FC दिया है आपको 1 MHz, FM दिया है आपको 2 KHz, 2 KHz, बस 1 बाई FC फाइंड करना है, 1 बाई FM फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में देखो कौन सा आंसर मिलता है, तो 1/1 मेगा, मेगा का मतलब 10^6, यानी कि ये कितना आएगा 1 माइक्रो सेकेंड, 1/FM निकाल लो ये कितना आएगा, 1/FM कितना है 2 किलो, किलो का मतलब 10^3, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2 यानी कि 0.5 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड सारे आंसर आपके माइक्रो में, तो इसको माइक्रो में ही कन्वर्ट कर लेते हैं,
थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और नीचे जो 1000 है वो ऊपर लाओगे तो 10^-3 हो जाएगा, तो 10^-3 मिली से, और 10^-3 जो ऊपर नीचे से ऊपर ले जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका माइक्रो सेकेंड, तो ये आ गया 500 माइक्रो सेकेंड, यानी कि जो आपका आरएलसी है इस रेंज में करना चाहिए, वेरी 1/fc से मच ग्रेटर देन, यानी कि 1 माइक्रो सेकेंड से मच ग्रेटर देन होना चाहिए आंसर, और 500 माइक्रो सेकेंड से मच लेस देन होना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि ये 1 माइक्रो सेकेंड है, आंसर में क्या चाहिए इससे, मच ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए, तो ये तो गलत हो गया है। दूसरा क्या है, 0.5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है ना, तो ये तो लिमिट से ही बात ज़्यादा है, ये तो लिमिट से ही बात चला गया बहुत ज़्यादा, 1 माइक्रो सेकेंड तक भी नहीं पहुँचा ये, तो इससे तो बहुत बड़ा चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो गया है। सी ऑप्शन देखो 200 माइक्रो सेकेंड, 1 से देखो 200, 1 और 200, 1 से काफ़ी बड़ा है कि नहीं है 200, और 500 से काफ़ी छोटा होना चाहिए था, तो 500 से 200 में भी काफ़ी डिफरेंस है, तो यानी कि ये एक तरह से सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब डी ऑप्शन भी देख लो, डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 500 माइक्रो सेकेंड, 500 माइक्रो सेकेंड, तो ये बाउंड्री वाली कंडीशन है, ठीक है, इससे मच लेस देन होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो एक ही सुटेबल चॉइस है यहाँ पे, क्या ये वाली है, ये वाला आंसर सी ऑप्शन का आंसर इस वाली कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कर रहा है, किस कंडीशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है, 1 माइक्रो सेकेंड से मच ग्रेटर देन भी है, और 500 माइक्रो सेकेंड से मच लेस देन भी है, तो आंसर क्या हो गया है, सी आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।